हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमेजिन आर्ट्स। मैं विकास और आज हम बात करेंगे कि आप कॉरल ड्रॉ में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ कैसे बना सकते हैं, क्या साइज़ लेना है, कैसे इमेज को सेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मैंने अपना कॉरल ड्रॉ ओपन किया हुआ है और मैंने यहाँ पर अपने एक पेज साइज़ लिया हुआ है A4। आप चाहें तो यहाँ से अपना कोई पेज साइज़ ले सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी पेज साइज़ A4 सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरा A4 पेज साइज़ है। यहाँ से मैं इसको इंच कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इंच, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फिट, पिक्सल जो भी है कर सकते हैं। यहाँ से अभी इंचिस में कर लेता हूँ। ये मैंने इंचिस में कर लिया है। अब आपको क्या करना है, हमें अपने पेज का लेना है मार्जिन। तो आप मार्जिन कैसे लेंगे, ये आप यहाँ पर टूल देख रहे हैं कॉरल ड्रॉ में, रेक्टेंगल टूल। आप F6 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस पर सिंपली कुछ दो बार क्लिक करना है ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो A4 साइज़ का हमारा जो पेज है, जो हमारा साइज़ है, उसको इसने कवर कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं या इसको साइज़ देकर भी कर सकते हैं, जो हमारे पेज का साइज़ है। मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस पर दो डबल क्लिक करें, ये आसानी से आपके पूरे पेज को क्लिक कर लेगा। ये हमारी इमेज है, मैं इसे यहाँ पर साइड पर रख लेता हूँ। अब हम इसका मार्जिन सिलेक्ट करेंगे। मार्जिन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मार्जिन लेने के लिए क्या करना है, यहाँ से नीचे से 5 नंबर टूल पर आना है। ये देखिए, ड्रॉप शैडो टूल, आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर कुछ टूल्स ऐसे आपके ओपन होंगे। तो आपको ये सेकंड वाला टूल सिलेक्ट करना है, काउंटर टूल, इस पर आपको सिलेक्ट करना है। अब इस तरह से आपको छोड़ दें। यहाँ मैं इसको साइज देता हूँ 0.5। ये आधा आधा इंच का हम मार्जिन लेंगे। अब एंटर। ये देखिए फ्रेंड्स, इसने यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन ले लिया है, जिससे हमारी जो इमेज होंगी वो कटेंगी नहीं। कटिंग करते टाइम जो हमारी पासपोर्ट साइज़ की जो इमेज है वो कटे ना। तो हम ये मार्जिन लेंगे। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप चाहे कॉरल ड्रॉ में कोई भी डिज़ाइन कर रहे हैं, बुक बना रहे हैं या लिफलेट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कोई ऐड बना रहे हैं, तो ये मार्जिन ज़रूर रखें, उसके अंदर अपना मैटर रखें। अब हम इसे कर लेंगे ब्रेक। ब्रेक करने के लिए आप इसको यहाँ पर राइट क्लिक करें। ये देखिए ऑप्शन आएगा ब्रेक। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्लस के करेंगे। तो ये देखिए, इसकी शॉर्टकट कमांड है, यहाँ से भी। मैं इसको अभी यहाँ से कर लेता हूँ ब्रेक। आप इसको यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाकर भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मैं कंट्रोल जेड, यहाँ पे देखिए। ये देखिए सर, ये ब्रेक यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ ब्रेक। ये आ गया हमारा अब मार्जिन। अब आपने क्या करना है, फिर आपने रेक्टेंगल लेना है। अब हम इसे साइज़ देंगे। पासपोर्ट साइज़ इमेज का जो साइज़ होता है वो होता है 3.5 बाई 4.5। अभी हमने यहाँ से साइज़ ले लिया सेंटीमीटर। अब हम इसे सेंटीमीटर में साइज़ देंगे। हम इसको साइज़ देंगे 3.5 बाई 4.5, 3.5। आप यहाँ से अपने कीबोर्ड से टैप प्रेस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, या फिर आप ऐसे इस तरह से भी कर सकते हैं, 4.5 कर देंगे एंटर। ये देखिए, ये हमारा आ गया साइज़। अगर आप चाहें तो इसे MM में भी कर सकते हैं। MM में करके देखने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से इसको मिलीमीटर में सिलेक्ट कर लें। अभी आपका MM में बताएगा, देखिए 35 45। इसी तरह से आप इंच में भी कर सकते हैं। मैं भी इसको सेंटीमीटर में कर लेता हूँ फिर से, क्योंकि मैं आपको सेंटीमीटर में, मुझे अपनी पासपोर्ट साइज़ इमेज बना रहा हूँ। ये आपका साइज़ है 3.5 बाई 4.5। अब आपने इसे, मैं इसे लेके आता हूँ यहाँ। ये देखिए, आप ये कॉरल ड्रॉ में स्क्रॉल अपना ऐसे करेंगे तो ये आगे पीछे होगा पेज। अभी हमने इसको भी अपना एक मार्जिन देंगे, ताकि हमारी अंदर से जो इमेज कटिंग होगी, वो फोटो कटिंग होगी हमारी, वो कटे ना। तो हम इसे फिर यहाँ से हम आएंगे काउंटर टूल पर सिलेक्ट करेंगे, और हम यहाँ से इसको इसी तरह से जैसे हमने पेज का मार्जिन लिया था ऐसे छोड़ देंगे। और यहाँ से आपको करना है 0.2 एंटर। ये देखिए, फिर वही करेंगे, सिलेक्ट टूल लेंगे और इसे करेंगे यहाँ से ब्रेक। मैंने इसको किया ब्रेक। अब जो हमारी इमेज होगी वो ये अंदर जो हमने मार्जिन लिया है इसके अंदर हम इसको पावर क्लिप करेंगे। ये देखिए हमारी इमेज है। अभी ये मैं जो हमने पेज का मार्जिन लिया है, मैं इसे रख देता हूँ साइड में। अब हम इसे यहाँ से पावर क्लिप इनसाइड कर सकते हैं। आप इसे यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए, पावर क्लिप इनसाइड। तो मैं भी इसको यहीं से करके इसमें इमेज अपनी पावर क्लिप करता हूँ। ये देखिए, मेरी इमेज इसके अंदर पावर क्लिप हो गई है।
अब हम इमेज को सेट करेंगे। इमेज को सेट करने के लिए आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करें, फिर हम ऑब्जेक्ट में जाएं, ऑब्जेक्ट में जाएं, पावर क्लिक, ये देखिए यह है एडिट, एडिट पावर क्लिक। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी मैं दोबारा जाऊँगा, आप इसे कंट्रोल जेड करें, या आप इसे कंट्रोल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके दो बार अपने माउस से क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब जो आप ये हमारा एरिया देख रहे हैं, ये हमारा एरिया है जो हमारे जो हमने अपना मार्जिन लिया हुआ है अपने 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर में, हमारी ये इमेज हमें इसमें सेट करनी है। तो हम इसे शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड और इसको इस तरह से छोटा करेंगे। ये देखिए ये हमारी इमेज छोटी हो गई है। अगर आप इसको इस तरह से ज़्यादा कर देंगे तो ये हमारी इमेज यहाँ से नहीं आएगी। तो हमें इसके जो हमारी लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, हमें इसके अंदर अंदर इसको रखना है। ये देखिए अब हमें क्या करना है, अगर आप जाएँ तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं, फिनिश एडिटिंग, या फिर कंट्रोल करके अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें और एक बार कीबोर्ड क्लिक करेंगे। ये देखिए ये हमारी इमेज जो है यहाँ पर अभी सेट हो गई है। अभी मैं इसके अंदर के आउटलाइन को कर देता हूँ नन। अभी हम बाहर के आउटलाइन रखेंगे, ये हमें थोड़ा सा हमने आउटलाइन रख ली है। अब जो हमारी इमेज जो बनने के बाद जो हमारी इमेज जो प्रिंट हो गए जो आएगी, हमें कटिंग करेंगे, वो कटिंग करने के बाद हमारे पास इस तरह से कुछ इमेज आएगी। आपने देखा भी होगा जो पासपोर्ट साइज इमेज होती है उसके चारों तरफ वाइट कलर का इस तरह से एक बॉर्डर होता है। कटिंग करने के लिए हमने जो जगह छोड़ी है हमारी इमेज है। अब आपने अभी हम क्या करेंगे, हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, ग्रुप करेंगे। आप इसको यहाँ से राइट, मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, आप इसको राइट करके यहाँ से भी कर सकते हैं, ग्रुप ऑब्जेक्ट कंट्रोल जी। तो मैं इसे करता हूँ ग्रुप कर सकता हूँ। अब आप इसे यहाँ से इसको इस तरह से और शिफ्ट अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके रखें, इस तरह से लाएँ और यहाँ ला कर इस तरह से, ये देखिए आप इतना गैप छोड़ दें और यहाँ पर राइट क्लिक करें, अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे तो इसकी ये कॉपी बना देगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से, ये देखिए मैं तो दोबारा बताता हूँ, आपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करें और इस तरह से को शिफ्ट प्रेस करें और ये इस तरह से मिलाया और यहाँ पर अपने की माउस से राइट क्लिक करेंगे तो ये इसकी आपको कॉपी करके देगा। उसके बाद आपने सिंपली कुछ नहीं करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आर प्रेस करना है। ये देखिए ये इसकी आपको कॉपी करेगा। अभी हमारी इसने कॉपी कर दिया है, हमारे पास 5 पासपोर्ट साइज इमेज आ गई है। अब आपको फिर इन सबको सिलेक्ट करें, ग्रुप करें, मैं कंट्रोल जी ग्रुप करता हूँ अपने प्रेस से, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मैं आपको पहले भी बताया है, ग्रुप ऑब्जेक्ट कंट्रोल जी, तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ ग्रुप। अब आपको इसी तरह से फिर अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करें और इस तरह शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ लाएंगे और अपना माउस से राइट क्लिक करेंगे तो ये इसकी आपको डुप्लीकेट कॉपी बना के देगा। फिर उसके बाद आपने वही करना है कंट्रोल प्लस आर, ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसे डिलीट कर देते हैं, सॉरी। अब आपने इसको सिलेक्ट करना है, ग्रुप करें कंट्रोल जी। अब अपने आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है पी, जैसे आप पी करेंगे ये देखिए ये हमारी जो पासपोर्ट साइज इमेजेस हैं उस पेज के बिल्कुल सेंटर में आ गई हैं और ये हमारा मार्जिन है। आप इसको भी पी प्रेस करेंगे तो ये देखिए अब ये थोड़ा सा हमारी इमेजेस बाहर हैं तो इतना नहीं होगा, अभी हमारी इमेज कटिंग में नहीं कटेगी। अगर आप चाहें तो इसको दोबारा भी कर सकते हैं, मैं इसको कंट्रोल अनग्रुप करता हूँ, यहाँ से आप कर सकते हैं अनग्रुप। इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल यू, तो मैं इसको यहाँ से करूँगा डिलीट। आप इसको फिर से सिलेक्ट करें कंट्रोल जी और ये यहाँ मैं रखता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके मैंने राइट क्लिक किया वो कॉपी हो गया। अब आप फिर करें कंट्रोल आर, कंट्रोल प्लस आर, ये देखिए अब फिर इसे सिलेक्ट करेंगे हम, कंट्रोल जी करेंगे, पी प्रेस करेंगे और ये हमारा आ गया मार्जिन, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसे अपने मार्जिन को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इसकी आउटलाइन जो हमने पेज की जो आउटलाइन से नन करता हूँ और ये देखिए हमारी ये इस तरह से इमेज कुछ आपके सामने होगी। आप अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो ये आपको इस तरह से देखा, फिर आप F9 प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, ये देखिए ये आपकी पासपोर्ट साइज इमेजेस आपके
रेडी हैं। आप इतनी आसानी से अपनी पासपोर्ट साइज इमेजेस अपने कोरल ड्रॉ में बना सकते हैं। ये देखिए, ये आपने कटिंग के लिए, यहाँ से हमारे पास काफ़ी मार्जिन है। हमारी कटिंग होने के बाद हमारी इमेज कोई कहीं से भी कोई कट नहीं हो सकता। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए फ्रेंड्स, आप बड़ी आसानी से अपने कोरल ड्रॉ में अपनी पासपोर्ट साइज इमेज बना सकते हैं। और ये देखिए, आप इस तरह से इमेज कोरल ड्रॉ में बना सकते हैं। आप एक बार कर ज़रूर देखें, आपको बड़ा ही आसान लगेगा। ये देखिए, इसी तरह से आप अब इसकी आप JPG भी यहाँ से बना सकते हैं। मैं इसको यहाँ से JPG बना सकता हूँ, इसकी PDF बनाकर प्रिंट ले सकता हूँ, और उसके बाद यहाँ से आप उसको कटिंग कर सकते हैं और इन्हें यूज़ कर सकते हैं अपनी पासपोर्ट साइज इमेजेस को। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।